क्लास 11 के प्यारे विद्यार्थियों, लो जी आगे आपका विषय हिंदी त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 जो आपके त्रैमासिक पेपर होगा उसका मैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन यानी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ। इसी से पेपर बनेंगे आपके और इसी से क्वेश्चन आएंगे, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगर आपको पेपर के PDF भी चाहिए तो मैं वीडियो के अंत तक जरूर बता दूंगा और सोल्यूशन भी बताऊंगा। तो समय रहेगा आपका 3 घंटा, पूर्णांक रहेगा 80, देख लीजिएगा। निर्देश रहेगा, निर्देश अभी प्रश्न आपको करना अनिवार्य है, तो इनका स्क्रीनशॉट फटाफट कर लीजिएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर पहला है, सही विकल्प चुनकर आपको बताना है। तो कहिए ने ईश्वर कितने रूप माने हैं। दूसरा, श्रृंगार काल किस काल को कहा जाता है। करुण रस का स्थायी भाव। नमक का दरोगा कहानी का प्रकाशन हुआ। और मियाँ नसीरुद्दीन कितने प्रकार की रोटियां बनाने के लिए मशहूर थी। और कुई की खुदाई करने वालों को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर आपको यह रहा, स्क्रीनशॉट फटाफट कर लीजिएगा। दूसरे का रीति काल शोक हो जाएगा और ये आ नंबर हो जाएगा 56 प्रकार के और चेजारों हो जाएगा, इनका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा पहले का। दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो कबीर भक्ति काल की बिंदी बिंदी काव्य धारा के कवि हैं। घर की याद कविता ऋतु में लिखी गई। ये शंकर प्रसाद कवि हैं। नाटक विधेय काव्य है। मियाँ नसीरुद्दीन के मसीहा थे। सीधे बरसात से मिलने वाली पानी है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा दूसरे का। तीसरा नंबर है 77। तो अर्थ के आधार पर बाघ 8 प्रकार के होते हैं। बीचक सूरदास जी की रचना काव्य की शोभा बढ़ाने वाले त्याग को रस कहा जाता है। कुमार गंधर कभी कबीर के पदों का गायन किया। आज भी खारे और तालाब के लेखक अनुपम मिश्रा हैं। कबीर ने ईश्वर को एक ही माना। सही जोड़ी आप केरा, स्क्रीनशॉट फटाफट करते जाइएगा। सत्य सत्य का देख लीजिए पहले का आपका सत्य, तीसरा दूसरा तीसरा सत्य हो जाएगा, चौथा भी आपका सत्य, चौथा इसका सत्य हो जाएगा, 4 से लेकर 6 तक पूरा सत्य हो जाएगा। स्क्रीनशॉट फटाफट कर लीजिएगा। चौथा आपका सही जोड़ी आपको बताना है, तो कुंडली छंद रोला छंद रोला दोहा और घनाचारी रोला, तो इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए फटाफट। तो ये रहा आपका आंसर, इसका आंसर का स्क्रीनशॉट कर लीजिए फटाफट। पांचवा, एक बाकी में उत्तर आपको बताना है। तो जगत क्या देखकर मोहित हो रहा है, कवि किसमें व्यक्त है। खंड काव्य की परिभाषा, दो महाकाव्यों को नेम एवं रचना का नाम लिखे, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए फटाफट। सीनों के आविष्कार का श्रेय किससे दिया जाता है। निपत किसे कहते हैं। चाटवा कबीर ने अपने आप को दीवार क्यों कहा। और मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती थी वो कैसे, तो इनका भी स्क्रीनशॉट फटाफट कर लीजिए। क्वेश्चन का ये रहा क्वेश्चन आपके, तो मैं क्वेश्चन के आंसर मैं आपको पूरा प्रोवाइड कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी आएगा वीडियो। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको पेपर का PDF चाहिए तो गूगल पर सर्च करिए www.ncrtschool.com, उसमें आपको पेपर का PDF नहीं मिलता, तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सअप ज्वाइन कर लीजिए, उसमें आपको पेपर का PDF मिल जाएगा। और नए जो भी अपडेट मिलेगा उसमें भी आपको मिल जाएगा व्हाट्सअप और टेलीग्राम में, तो इसलिए और आंसर तो आपको वीडियो के पर ही मिलेगा। तो इसलिए चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।